हाँ भाई, कितने भी किसी ने जगह ढूंढी है, आराम न बैठ के सत्संग सुन। मैं अपने गुरुदेव सावन कृपाल के चरणा च नमस्कार करता हाँ, जिन्होंने साडे ते बड़ी भारी दया की है, आपकी याद विच बैठने का मौका दिता है। गुरु नानक दे पास कुछ सिद्धा ने आके सवाल किए कि तुसी परमात्मा देखा है, कि सचमुच वो परमात्मा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हाँ मैं देखा है। जिस परमात्मा की मैं सिफत करता हाँ वो जा रही दिसदा है, नानक का पातशाह दिसे जा रहा। यही सवाल कबीर साहब ते होया। कबीर साहब भी कहन लगे अल्लाह अलख न जाए लख्या, गुर गुर दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संका नाठी, सर्व नरिंजन डीठा। यही सवाल महाराज सावन सिंह तसौड़े दे अंदर सत्संग करन वास्ते जाए गए, उत्थे एक पुजारी ने सवाल किया कि तुसी परमात्मा देखा है। महाराज जी कहते हाँ गुरु कृपा नाल देखा है। प्यारे ये कोई हंकार नहीं हुंदा गा, बल्कि सच्चाई नूं बयान करदे है संत। जो अखी देखदे है उही ओ बोलदे है। तो थोड़े अगे गुरु नानक देव जी का शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनो। मारू महला पहला पन्ना 138। यह देखा ते दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है मैं जिधर भी निगाह मारदा हाँ हर जगह वो परमात्मा ही नजर आउंदा है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पंछी है, या औरत है, या मर्द है, या कोई हिंदू है, या सिख है, या ईसाई है, या कोई मुसलमान है, कौम दा सवाल नहीं, वो परमात्मा पत्ते पत्ते दे अंदर नजर आउंदा है। परमात्मा किसी नूं सजा नहीं दिंदा, वो रहीम है, रहम करदा है, रहम दा समुंदर है, कृपा करदा है, वो कृपाल है। यह देखा ते दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला। जिया अंदर जुगत समाई, रेहो निरा आप प्यार ना समझाते हैं। वो सब का राजा है, सब का बादशाह है, वो कुल आलम दे विच रहिंदा होया भी निराला है, निरालम है। सवाल पैदा होता है इंसान मरदे है कि वो परमात्मा भी मरदा है, कहन लगे नहीं वो जमण मरण तो उपर है, वो जीव दे विच वो इंसान दे विच रहिंदा होया भी न्यारा है, निराला है। जिया अंदर जुगत समाई, रेहो निरालम राया। जगत इसकी छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राओ कमाया। ये संसार की रचना उस परमात्मा ने रची है जिसका ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना भैन है, ना भरा है, ना किसी माता पिता ने उसनु पैदा किया है। जग तिस की छाया जिस बाप न माया,
ना तेस पैण ना प्राओ कमाया, ना तेस ओपत खपत कुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। ना उत्पत हुंदा है, ना हो लै ही हुंदा है, ना वो बुढ़ा हुंदा है, ना वो जवान है, ना वो बच्चा हुंदा है, ना वो परमात्मा किसी खास औरत दा है, ना किसी खास मर्द दा है, ना किसी समाज दा है, ना वो परमात्मा किसी मुल्क दा ही है। परमात्मा परसनल किसी दी भी जायदाद नहीं गी, वो सब दा है। जेड़ा उन्हें याद करता है वो उसे दा ही है। औरत याद करे, मर्द याद करे, बच्चा करे, बुढ़ा करे, जवान करे, कोई भी उसनु याद करे, ईसाई करे, सिख करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी उसनु याद करे, वो परमात्मा उसका है। कबीर साहब कहते हैं, जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। परमात्मा ये नहीं कहता कि मेरे पास ईसाई हो या मुसलमान ना हो, हिंदू हो, सिख ना हो। कह लगे नहीं प्यारे हो, वो कहता मैं सारे नाल ही प्यार करदा है, कोई मेरे पास आवे तो सही। वो प्यार दा समुंदर है, रहम दा समुंदर है। ना तिसे ओपत खपत कुल जाती, ओ अजरावर मन पाया, तू अकाल पुरख नाही सिरे काला, तू पुरख अलेख आगम निराला। और गुरु नानक देव जी महाराज उस परमात्मा की महिमा गाते हैं कि तू अकाल है, तेरे सिर ते काल नहीं गा, काल नु तां तैं पैदा किया है, तू अगम है, नाराला है, स्वामी है, अनामी है। ते उन्हां महात्मा का कहना है जिन्हां दा पर्दा खुल गया, अंदर जाके परमात्मा ना मिले, सच्चाई नु खुद देखिया और बयान किया। हाँ, तू अकाल पुरख नाही तेरे काला, तू पुरख अलेख आगम निराला, सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए लिव लाया। फिर वो परमात्मा गुरु नानक साहब कहते कैसा है, कहते वो शब्द है, शब्द दे विच शांति है, जब सचखंड पहुंच जाने हैं शांति मिल जाती है। इस दुनिया दे विच बड़ी ही लोगों ने कोशिश की शांति नूं ढूंढण दी, ना इत्थे हुकूमत विच शांति है, ना धन दौलत दे विच शांति है, ना इत्थे विषय बकारां विच शांति है। तो गुरु साहब कहते वो शांति है, वो शब्द है। गुरु नानक कहते हैं मैं वो शब्द नहीं तुहानू दस रहा जिहड़ा गाउण वजाउण वाला हुंदा है, लिखण या पढ़न बोलण वाला हुंदा है, मैं तो वो शब्द की महिमा करदा हाँ जिहड़ा बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है। सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए लिव लाया, त्रैवरताए चौथे करवासा, काल बिकाल किए इक ग्रासा। जदों से अभ्यास करके आत्मा तो अस्थूल सूक्ष्म तिन्ने पर्दे ला लेने हैं, अंदर सचखंड दे विच पहुंच जाने हैं, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, थले दी रचना दा अपने आप ही पता लग जाता है। त्रैवरताए चौथे करवासा, काल बिकाल किए इक ग्रासा,
निर्मल ज्योत सारभ जग जीवन गोरे अनहद शब्द दिखाया। हुण गुरु नानक साहब कहिंदे है कि मैनू किस तरह गुरु ने दिखाया। सब तो पहला उन्हें सिमरन दिता कि भई सिमरन करके नौ द्वारे खाली कर, अखां दे पिछे आ। कहन लगे वो जोत और प्रकाश दे विच आ। फिर अगे अनहद शब्द जिहड़ा कि दिन रात नुकारां दे रहा है। इस वास्ते आप कहन लगे वो शब्द दे जरिए, नाम दे जरिए मैनू उस परमात्मा नूं दिखाया। संत महात्मा सुनिया सुनाईया गल्लां नहीं करदे गे। जो कुछ उन्होंने जिंदगी दे विच कीता हुंदा है, अपने गुरु की कृपा नाल प्राप्त किया हुंदा है, वो उही बयान करते हैं। मैं सदा ही दसदा हुंदा है कि किसी महात्मा के चरणों के जाने तो पहला उहदी तुसी जिंदगी जरूर पढ़ो कि उस महात्मा ने कदे अभ्यास किया है, कि उहदी अभ्यासी जिंदगी है, कि उन्हें 10 साल 15 साल 20 साल परमात्मा की खोज विच लाए या अभ्यास विच लाए। अज तक जितने भी परम संत संसार विच आए हैं, गुरु नानक, कबीर, मौलाना रूम, समस्त दरेच, बाबा जैमल सिंह, महाराज सावन सिंह, महाराज कृपाल सिंह, सारे संतों की हिस्ट्री पढ़ के देखो उन्होंने किनिया किनिया मेहनत कीतियां, किन्ना किन्ना उन्होंने संयम रखिया। तो गुरु नानक साहब कहिंदे गल्ली किने ना पाया। तुसी नवे भजनां विच पढ़ते हो गल्लां दा मजबून नहीं कोई भी करके देखे। संत ये नहीं कहिंदे कि असी भई कामयाब होए, तुसी नहीं हो सकते। वो कहिंदे कोई भी ये प्रैक्टिस कर सकता है, देख सकता है, अंदर जा सकता है, शांति नूं प्राप्त कर सकता है। सिख दी शरदा जरूरी है। सिख दे अंदर अतुट प्यार गुरु वास्ते शरदा जरूरी है। और मेहनत का भी सिख चोर ना होवे, गुरु नूं साथ लेके ही अंदर जा सकता है। निर्मल ज्योत सारभ जग जीवन गोरे अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे। संसार विच कौन उत्तम है? ओ संत महात्मा जिन्हां ने अंदर वड़ के ओ शब्द नूं प्रगट कर लिया, शब्द रूप हो गए है। अगर परमात्मा का कोई प्यारा है तो वह महात्मा ही उसके प्यारे होंगे है। जो महात्मा नाल प्यार करते हैं वह भी उस परमात्मा के प्यारे होंगे है, क्योंकि प्यारे का प्यारा भी प्यारा होंदा है। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे। नानक रेन संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। आप प्यार ना कहिंदे है मैं संतां दी भी पैरां दी धूड़ी वर्गा नहीं गा, मैं उन्हां दी संगत दी बड़ी कदर करदा हां। संगत की कदर किनू होएगी जिन्हों गुरु की कदर होएगी। इस वास्ते मैं गुरु की कृपा न उस परमात्मा पाया है। नानक रेन संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतर जामी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे। थोड़ा प्यार ना कहंदे है तू अंतरजामी है, तू दाता है, असी तेरे सारे सेवक हैं। किस तरह अंतरजामी है? उन सब
जीया जंत का पता है कि किदे दिल अंदर मेरे मिलने का शौक है, कौन मैनू मिलना चाहता है, उसकी अंदरों चाबी मरोड़ के पूरे महात्मा के कोले लिया है, महात्मा नाम की दात दिता है। तू अंतरयामी जिया सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे, अमृत नाम कृपा कर दीजे, गुर ज्ञान रतन दीपाया। आप कहंदे नाम दा दान कृपा करके अपनी दिंदा है और सच्चा रतन नाम दा गुरु तो दवांदा है, गुरु ही दिंदा है। मैं महाराज सावन सिंह दा कहा हुआ बचन कई दफा दरवाना हुंदा है। वो कहंदे हुंदे सीगे कि असी कहने असी नाम लैन जाना है डेरे, कौन कहते हैं बई जिन्हों की अखा बंद है, जब अख खुल जाती है फिर पता है कि डेरे सानू कोई बुलाउंदा सीगा। असी कहने कि सत्संग विच जाने हैं, जब अख खुल जाती है फिर पता लगता है कि सत्संग के अंदर सानू कोई भेज रही है ताकत, कोई ताकत खिंच रही है। अमृत नाम कृपा कर दीजे, गुर ज्ञान रतन दीपाया, पंच तत् मिल ए तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। थोड़ा प्यार ना कहंदे है साडा शरीर पंजा तत्तां दा पुतला है, हवा है, अग है, पानी है, अग्नि है, आकाश है। और अगर शब्द प्रगट हो जाता है तो शांति है, नहीं तो असं तपते आने तपते ही चले जाने हैं। पंच तात मिल ए तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मान्या, सर्ब निरंजन कट कट जान्या। हुण गुरु नानक साहिब कहिंदे है कि उस परमात्मा नूं ना कोई भुख है, ना कोई प्यास है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है। जेड़े उस नूं प्रगट कर लेंदे है उन्हां दी वी इही हालत हुंदी है। ना तिस भूख प्यास मन मान्या, सर्ब निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सो पाया। हुण आप प्यार ना कहंदे है अमृत दा रस दे विच मता होया है, अमृत दे आधार ही आत्मा नूं ताकत मिलदी है, मन मन जांदा है, अमृत दा रस पा के ही बरागी हो जाता है। पहला सानू पिछे बकार प्यारे लगते हैं, मिठे लगते हैं, असी छड़ नहीं सकते गे। जब अंदर अमृत पीण मिल जाता है सच्चा विराग पैदा हो जाता है, विखावे का विराग नहीं पैदा हो, पहला विखावे का विराग है फिर सच्चा विराग पैदा हो जाता है। अमृत रस राता केवल बैरागी,
गोर मत पाए सो पाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल वजाया, बेण रसाल वजावे सोई, जाकी त्रिपवन सोजी होई, नानक बूज ए विद गुर मत, हर राम नाम लेव लाया। वैसे ता जो भी परमात्मा नु किसी भी तरीके ने याद करता है वो अपने आप नु यही समझता है कि मेरी ही गुरमत सही है, यही गुरमत है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नहीं जी प्यारे, जदों असी अपनी मत नु छड़ के गुरु की मत के उत्ते चलते हैं, फिर ही असी गुरु मत के उत्ते चलन का दावा कर सकते हैं। नानक बूजा ए बिद गुर मत, हर राम नाम लेव लाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचार रह निरारे। हुण गुरु नानक देव जी कहिंदे है ए नहीं कि दुनिया विच कोई है ही नहीं गा कोई ऐसा महात्मा, कहन लगे नहीं विरले विरले महात्मा है, जग में उत्तम कढ़िए विरले के इके। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी सच्चाई दा विनाश नहीं हुंदा गा, सच्चाई है लेकिन देखने वाले चाहिए है। कोटन में को जो भजन राम को पावे, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचार रह निरारे, आप तरे संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया। थोड़ा प्यार ना कहिंदे है ऐसे विरले संसार विच उत्तम हन जो शब्द नाम की कमाई करते हैं, शब्द नाम की कमाई करते हैं, शब्द नु प्रगट करते हैं, कहन लगे वो आप तर जाते हैं, अपनी कुल नु तार लेंदे हैं, अपनी संगत नु तार लेंदे हैं, उन्हां दा ही दुनिया विच आना मुबारक है, सफल है। ऐसे आके मैदान जित जाते हैं, ऐसे सूरमे बच्चे मावां जन्म दिंदियां हन। कबीर साहब ने कहा सी जननी जने ता भगत जन, या दाता जा सूर, नहीं ता जननी वांज रे काहे गवाए नूर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा है तन तन कुल तन तन जननी, जिन गुरु जने अंबाए, तन तन सतगुरु जी ने नाम आराध्या, आप करया जिन्ना डिठा तिन्ना ले छड़ाए, आप तरे संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सो जी होई। साडा कर सचखंड है, साडी आत्मा सत नाम दी अंश है, एदी सोझी सानू कदों हुंदी है कि साडा केड़ा घर है, किदी साडी आत्मा अंश है। जद कोई पूरा गुरु मिल जांदा है, इस रस्ते ते पा दिंदा है,
उस नाम दे नाल जो कण कण दे विच व्यापक है जोड़ दिंदा है। कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सो जी होई। कायांगड़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तक तुर चाया। ये शरीर एक महल है, इसके अंदर परमात्मा का तख्त है, आप ही उस ते विराजमान है। कायांगड़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख तुर चाया। चतर दस हाट दीवे दोए साखी सेवक पंच नाही बेखो चाकी। हुण गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार ना कहिंदे है कि जो पंच शब्द की कमाई करता है, शब्द नू प्रगट कर लेंदा है, ओ 14 लोक विच जो माया दी यहर फैली हुई है वो चखदा निगाह इस तो बच के अंदर जाता है। जो महात्मा सानू संगत दे अंदर डिसिप्लिन सिखाते हैं कि भी प्यारे हो स्त्री एक ही हुंदी है, मर्द एक ही हुंदा है स्त्री वास्ते, और काम भरी अख नाल पराई स्त्री नूं तकना पाप है, और स्त्री किसी मर्द नूं तके बुरी अख नाल तो वह भी एक पाप है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे पर तिरिया रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत। भाई गुरुदास कहिंदे है देख पराइयां चंगियां तियां भैणां मावां जाणा है। तो प्यारे हो जो इस दुनिया दे विच अस्थूल दुनिया दे विच कायम नहीं गा वो अंदर सूक्ष्म दे विच जाके किस तरह कायम रह सकता है। इत्थों नालों नूरी औरतां सूक्ष्म औरतां सोहणियां हन, औरतां वास्ते उत्थे मर्द सोहणे हन। इसे वास्ते सन अपने प्यारे बच्चों नूं मजबूत करके ही अंदरले मंडलां दे विच्चों लैके जांदे है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है 14 लोकां तक जो माया दी यहर फैली हुई है विशे बकारां दी, कहण लगे जो पंज शब्द की कमाई करता है उन्हें ये विसनू चख्या तक भी नहीं। चतर दस हाट दीवे दोए साखी सेवक पंच नाही बेखो चाकी। अंतर वसत अनूप निर्मूलक गुर मिलिए हर तनु पाया। आप प्यार ना कहंदे है थोड़े अंदर बड़ी अमोलक वस्तु है, अजीब वस्तु है, सोहनी वस्तु है, लेकिन इस वस्तु नू तुसी तद ही पा सकते हो जब तुसी गुरु नू मिलते हो और गुरु की दसी हुई हदायत देते चलते हो। अगर कोई कौड़ियां ले फिरदा है आपा उस तो कौड़ियां लईए, वो देण वास्ते तैयार नहीं होएगा, लड़न नू तैयार हो जाएगा। जे उहदे हथ विच आपां डालर पकड़ा दिए कौड़ियां दी मुठ जिहड़ी है अपने आप ही ढिली हो जाती है। इसे तरह संत महात्मा सानू प्यार नाल कहिंदे है कि तुसी कमाई करके अंदर जाओ, थानू अंदर इस तो प्यारिया चीजा मिलनगिया, तुसी उत्थे फिर डोलोंगे नहीं। महाराज सावण सिंह मिसाल देंदे हुंदे सीगे कि अगर कोई सानू ये कह देवे कि अमरीका दे अंदर जायदादां मुफ्त मिलदियां हन, सारी दुनिया तैयार हो जाएगी, लेकिन संत कहिंदे है कीमती वस्तु अनूप वस्तु थोड़े अंदर है, कोई अंदर जाण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। संत ये भी नहीं कहिंदे कि तुसी कल्ले जाओ, बल्कि वह कहिंदे असी हर कदम ते तुहाडे नाल है। अंतर वसत अनूप निर्मूलक गुर मिलिए हर
तन पाया ताकत बह तकते की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादी है पीहोसी सैसा परम चुकाया। ओ परमात्मा दा पिछे गुरु नानक दस के आए सीगे कि ये शरीर एक महल है, ये अंदर उस परमात्मा का तख्त है, खुद वो बैठा है। हुण आप कहन लगे जो पंच शब्द की कमाई करता है उस तख्त देते उही लायक है बैठन दे, उही बैठता है। गुरु नानक कहंदे ओ परमात्मा है भी गिन भी उस ने रहना है, आ जगात ते तुरिया आउंदा है। जो पंच शब्द रस्ता है ते किसे भी संत दी अपनी किरत नहीं, ना कबीर साहब दी, ना गुरु नानक देव दी, ना मौलाना रूम दी, ना समस्त बरेई दी। बड़े बड़े चोटी दे महात्मा होए है, सारे यही दसते आए है कि ईश्वर किरत है, ये परमात्मा ने खुद अपना रास्ता बनाया है। आद जुगादी है पीहोसी सैंसा परम चुकाया ताकत सलाम होवे दिन राती ए साच वडाई गुरमत लिव जाती। गुरमुखा नु पता है, वो अंदर जाके वो परमात्मा नु मिल जांदे है कि किस तरह खंड ब्रह्मांड सारे उस दे अगे नमस्कार करते हैं। ताकत सलाम होए दिन राती ए साच वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया। गुरु नानक साहब कहते हैं तुसी नाम की कमाई करो, जे तू शांति चाहते हो, जो उस परमात्मा नु पाउणा चाहते हो, सब तो पहला गुरु कोले जाओ, नामदान प्राप्त करो, फिर तुसी कमाई करो, अंदर जाके सच्चाई नु खुद देखो। तो सानू भी चाहिदा है तनो मनो दिल ला के ईमानदारी नाल नाम जपिए और अपनी आत्मा नु शांति देइए। संत कहंदे अज दा काम कल ते ना पाओ कि मैं कल नु भजन कर लूंगा। प्यारे कल नु भी जिस मन ने अज तुहानू सलाह दित्ती है वो तुहाडे पास होएगा। हाँ सतगुरु साचे मेरे दाता जाचे मेरा कर्मों के बारे में एक अजीबो गरीब सवाल है। अगर हमारे कर्मों के अंदर बीमारी आने वाली है जिसके अंदर हमें शारीरिक रूप से भी तकलीफ उठानी पड़ेगी और कुछ डॉक्टरी का भी खर्चा उसमें करना पड़ेगा, दवाइयों के लिए भी खर्चा वगैरह करना पड़ेगा, तो क्या इस तरह का जो कर्म हमारे ऊपर आता है जब वो आता है तब हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए जैसे भी वो आता है और सब कुछ गुरु के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और उसको माना मान के स्वीकार करना चाहिए, या उस आने वाले कर्म के बारे में पहले से योजना बनानी चाहिए और जैसे बीमा पॉलिसियां होती हैं बीमारी के खर्चे का देखभाल करने के लिए उस तरह की पॉलिसी ले लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं मुझे अभी तक कभी समझ नहीं आई है और मैं चाहूंगा कि आप समझाएं, क्योंकि
जब इस तरह से अचानक खर्चा आता है और कर्मों का भुगतान करते हुए जब दवाई वगैरह के लिए खर्च काफी करना पड़ता है, तो काफी पैसे की भी परेशानी लोगों को हो जाती है। हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं थानू बजाए अपनी तरफों कुछ दसन दी, महाराज सावन सिंह का कहा हुआ बचन उधरा दिना, जो कि मैं कई दफा सत्संग के अंदर पहले भी उधर आया है। इसे दी पुष्टि महाराज कृपाल ने भी आपदे सत्संगा अंदर बचना अंदर करी है कर्मा वास्ते के, और तुलसी साहब ने भी कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस कीन सो तस फल चाका। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे के जीव गर्भ विच मगरों आउंदा है, उस दी प्रलभत पहले ही तैयार हो जांदी है। वो ये है कि दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती ये छे चीजा साडियां मकर हो जांदियां हन, लेकिन जी परेशान इस वास्ते हुंदा है कि उन्हूं ये घटना दा या उस कारण दा ज्ञान नहीं हुंदा गा। तुलसी साहब कहंदे है पहले बनी प्रलभत पिछे बनिया शरीर, तुलसी दासा खेल अचरज है पर मन नहीं बनदा तीर। थानू नामदान दे वक्त शुरू च बताया जांदा है कि हम शरीर नहीं आत्मा हाँ, शरीर तो सानू कर्मा दा भुगतान करन वास्ते ही मिलिया है। तो महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे जो तीर कमान विचों निकल चुकया है वो हथ नहीं आउंदा गा, जो मर्जी जतन करिए वो निकल गया निकल ही गया। जो प्रलभत बन गई है तो संत इस नू छेड़दे नहीं, लांभे रख देंदे है, तो जीव नू शब्द हुंदे नाल जोड़ देंदे है। क्योंकि सदा दसाया जांदा है कि साडी आत्मा उपर ये तीन खोल अस्थूल सूक्ष्म कारण चढ़े हुए है, जिन्हें एक पिंजरे विच दूसरा है दूसरे तीसरा है। तो जो अस्थूल जगत है इस सूक्ष्म दे विचों ही निकलिया है, और जे असी संतां दे कहण दे मुताबक अपनी आत्मा तो ये अस्थूल पड़दा ला के सूक्ष्म दे विच पहुंच जाइए तो हर घटना का सानू ज्ञान हो जाता है। एक घटना के पिछे कारण की है, क्यों घटी है, किताब की तरह यह खुल जाता है। महाराज कृपाल कहते होंगे सी के संत जद नामदान बख्शते है उस वेले अंदरों सेवक का इस किस्म का अरेजमेंट कर देंगे है कि कर्मा का भुगतान भी करता रहता है और अंदर तरक्की भी करता रहता है। जिस नगरी विच असी काल दी असूल जगत विच बैठे हैं ये काल दी रचना है, ये बदले दा देश है, जो किसी दी अख कटदा है तो काल उसनु भी सजा अख दी ही दिंदा है, जो किसी नु कतल करदा है उसे तरीके नाल अगले जन्म विच वो भी भुगतान उसे किस्म दा करदा है। तो दयाल दे राज विच माफी है, उत्थे बदले का नाम निशान तक नहीं गा। जब असी दयाल दे देश विच काल दी हद टप जाने हैं तो सानू माफ़ी मिल जाती है। गुरु वो माफ़ी ही दवाउण वास्ते आउंदा है संसार विच। गुरु नानक ने कहा ददा दोष न दीजै काहूं, दोष कर्मा अपनिया जो मैं कीता सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। दोष किसे को दे प्राणी सब अपना किया करारा है। हुण सवाल उठता है कि सानू अगर पता होवे तो असी उसका इंतजाम कर लीए, ये ठीक है केवा लाने वाले जो सी लोग जैसे उन्होंने पास जाने बहुत सारिया भविष्यवाणियां करते हैं, किसी की गलत किसी की सही निकलती है, वो किसी हद तक लोगों को बताते हैं तेरे ते ये ग्रह है ये उपाव करे ये हो सकता है, लेकिन संतां दा जाति तजर्बा है
कि वो कर्म नहीं उटाल सकते, वो कर्म जरूरी भोगना पेगा। तो संत सानू ना तो इन भविष्यवाणियों के अंदर टेवा लाने वाले पास भेजते ही है, ना वो खुद ही इतवार करते हैं। वो कहते हैं कि लेख ना मिटिया हे सखी जो लिखिया करतार। हाँ, मैं थानू ये मुतलक एक अपने रिश्तेदार की कहानी दसदा। मैं पहला भी सत्संग दसी है। ये वो इस तरह है, वो किसी टेवा लाने वाले पंडित दे पास पहुंचया। उसने कुछ पैसे ले, कुछ उन्हें अपनी गणित विद्या के हिसाब न को टेवे दसे, दस दिता कि तू इतने महीनों किसी रिश्तेदारी जाएगा, तू बीमार हो जाएगा। हुण वो जो वहम पाया सीगा उहदे दिमाग उत्ते वो असर बनिया रहा, लेकिन तू उस महीने तक ना गया उस रिश्तेदारी च, क्योंकि उन्हें वहम पाया हुआ सीगा। अगले महीने वो चलिया गया, उत्थे जाके मामूली जिहा उसनू बुखार चढ़िया। बुखार की तकलीफ तो बड़ी कम सी, लेकिन वो दिल में वहम सी कि पंडित ने बताया सीगा तू हुण बचता नहीं गा। तो उन्हां दिनां विच मैं वैद्य करता हुंदा सीगा, उन्हां दा रिश्तेदार मेरे पास आया, भई तो थोड़ा सरदार जी चोला छड़न ते तैयार है। तो मैं जीप ली, बड़ी जल्दी 2 घंटे का सफर से उसके पास पहुंचया। वो मेरे नाल इस किस्म दी बातां करे जिवें कि हुण चोला बिंद छड्या, हुण छड्या, मैनू घर दी तकड़ाई कर रहा सीगा। नाले वार वार ये कहिंदा सीगा कि देखो जी तुसी मनदे तां नहीं पंडितां जोशियां दी बात, जो मैनू कही सी आ वेखो पूरी हो चुकी। मैं उन्हूं कहा कि मैं वैद हैं ते गुरु दा आसरा रख के तैनू दवाई देऊंगा। भरावा हुण तां मैं नहीं मरन दिंदा, मैं लिख के दे दिंदा तैनू। हाँ, आखिर एक दिन तां मरना ही मरना है। जद असीं उत्थों तुरन लगे, उन्हां दे घर दे रिश्तेदार कई किस्म दे सगन मनाउण लगे। मैं आख्या देखो बई प्यारे, सगन अपसगन गुरु नानक कहिंदे उसनूं लगदे आ जिहड़ा प्रभु नूं याद नहीं करदा गा। मैं इत्थों 2 मील जांदा जांदा हुण दवाई दित्ती है, इहनूं 2 मील च जांदा जांदा ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो गया पिंड आउंदा आउंदा, लेकिन शाम दे टाइम घरवाली नूं कहिण लग्या आ देख बाबा जी बात तो नहीं मनते गए, आ देखो पंडित की कही पूरी होगी। मतलब वो फिर भी दिल ना तरे, मैं बचना की है। मैं बड़ा करड़ा होया, मैं कहा मेरी दवाई दी तू मर के दिखा। तो हुण भी इत्थे प्रेमी सत्संग च आउंदा हुंदा है, असी हसदे हुंदे हैं। मैं कहा हुण तू जिउंदा फिरदा है, ये घट तो घट 30 साल का वाकया है। सो प्यारिओ, किसी आने वाले भविष्य की चिंता करके दिल नू सकाउणा, बीमार होने तो पहले ही बीमार हो जाना, हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि किड्डी बुरी बात है। पता नहीं वो घटना घटे या ना ही घटे। तो प्यारे हो, मैं बीमा कराउण नू बुरा नहीं कहिंदा गा। ये दुनिया दे विच बीमे की जो स्कीम है अच्छी है, अगर किसी च पहुँच होवे करा सकता है, मैं इस स्कीम नू बुरा नहीं कहिंदा गा। लेकिन हुण सवाल उठता है कि कर्मा दा भुगतान सानू बर्दाश्त करके ही भुगतौना चाहिदा है या उहदा कोई उपाउ करना चाहिदा है। सब संत यही कहिंदे गए कि बीमारी दा इलाज करवाउणा साडा पहला फर्ज हुंदा है। लेकिन सानू पाणा भी मनना साथ पैंदा है कि जेहड़ा ये कष्ट है ये साडे अपने कर्मा करके ही है। और एक तां इहदे नाल ये हुंदा है कि साडा जो डॉक्टरां नाल पिछला देण लैण है वो भुगतान हो जाता है, कर्जा कुछ उत्तों साडा हल्का हो जाता है कर्मा दा बोझा। और कुछ स्वामी जी महाराज कहिंदे दुख की कड़ी गनीमत जानो, क्योंकि सुख दे विच मन स्वामी जी कहिंदे गाफल हुंदा है। तो दुख दे विच साडे मन की जिहड़ी
झुकाव हुंदा है वह परमात्मा की तरफ हुंदा है, और कुछ असी अंदरों अंदरी फरियाद भी करते हैं कि सानू बख्शो, तो कुछ पैसे नाल भुगतान हो जाता है, कुछ अंदरों सच्चे दिलों असी फरियाद भी करते हैं, और कुछ साडा वो पैसे नाल भुगतान भी हल्का हुंदा रहिंदा है। तो संत सानू हाथे हाथ धर के बहन कदे भी नहीं कहिंदे, वो कहिंदे प्रसारथ करना इंसान का पहला फर्ज है। बीमारियां रोग सानू दो प्रकार के लगते हैं, अगर जे असी ठंडे दिल ना सोचिए तो सानू उन्हां दा भी पता होना लगना कोई मुश्किल नहीं हुंदा। एक तो ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जिहड़ा कि साडी अपनी गलती की वजह के नाल वो लग्या होया है, वो थोड़े जे अपाओ नाल वो रोग खत्म हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। एक हुंदा है कर्मा दा रोग, कर्मा करके बीमारी, वो भोगे बिना नहीं जाती गी, लेकिन दवाई जो है मैं पहले ही दस्या सी उहदा भुगतान जो डॉक्टर का देना लेना है, जो दवाई ते पैसा लगना है, वो साडा बोझा हल्का हुंदा जाता है। तो अगर इलाज कराउण दे बावजूद सानू सफलता नहीं मिलती गी, तो साडा यह भी फर्ज नहीं बनता गा कि असी गुरु अंदर भगवान के अंदर नुक्स कढ़ीए कि साड़ी मदद नहीं हो रही। मुनासिब मदद वो साड़ी जरूर करता है। यह जे मौकों के उत्ते सानू बर्दाश्त तो कम लेना चाहिए, भाणा मनन दे विच ही फायदा हुंदा है। अजर वेद दे अंदर जिथे बूटियां का वर्णन किया गया है, उत्थे एक मशहूर कहानी छोटी जी दिती हुई है, वो इस तरह है कि गोरखनाथ अच्छे कमाई वाले सन, उन्होंने सिर ते फोड़ा सीगा जेड़ा कि उन्होंने बड़ा ही इलाज कराया, तो फोड़ा बढ़ता गया लेकिन हटिया नहीं। 12 साल उन्होंने कष्ट भोगया उस फोड़े का, लेकिन 12 साल बाद जब फोड़े का अवधि पुग गई, वह कर्म की अवधि पुग गई, तो जेड़ी बूटी वो धुने के पास सी वो ही बोली कि गोरखनाथ तू मैनू रगड़ के ला, मैं तेरा तेनू ठीक कर दूंगी। उनू इस कर्मा की फिलासफी का ज्ञान सीगा, वो कहन लग्या भई देख हुण तां इहदी अवधि जो कर्म की है वह पूरी हो ही गई है, पर तू बोली है खुद, तो तू पहला इत्थे ही सैं, तू बोली है, तेरा ना ही गोरख मुंडी हो गया। आम फोड़े फुंसी के अंदर जो दवाइयां बनदी हैं ज़्यादातर वो गोरख मुंडी का ही इस्तेमाल करते हैं। जब असं कर्मों का भुगतान करते हुए किसी भी डॉक्टर पास जाने हैं, डॉक्टर की साडे नाल पूरी हमदर्दी होंगी है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता होंदा गा कि मेरा मरीज दुखी होवे या ये राजी ना होवे, वो तनो मनो चाहता है कि मेरा मरीज तंदुरुस्त होवे, जल्दी तंदुरुस्त होवे, मैनू जश मिले। तो डॉक्टर की साडे नाल पूरी ही हमदर्दी होंदी है, लेकिन कई दफा ऐसा होंदा साडा अजे कर्म होर बाकी होंदा है, तो उहदे विच ना डॉक्टर का दोष है और ना सानू उस दोष कढ़ना ही चाहीदा है। वो आपदी पूरी हमदर्दी दिखाउंदा है, लेकिन सानू ऐसे मौके ते सबर करना बड़ा जरूरी है। महाराज सावण सिंह अपने सत्संगां दे अंदर अक्सर एक कहानी सुणाउंदे हुंदे सी कर्मा दे लैण देण ते, कि किस तरह सानू अगले जन्म विच जाके वह रूप धारना करना पैंदा है, उत्थे जाके जन्म लेना पैंदा हुंदा पैंदा है, वह देन लैण फिर पूरा करना पैंदा है। ये उन्हों का चश्मदीद वाकया सीगा, वो दसदे हुंदे सीगे कि जब वो इधर फ्रंटियर की तरफ नौकरी कर रहे सीगे आर्मी दे विच, क्योंकि आर्मी दे विच शाहूकार लोगों की कंटीन भी हुंदी है, ठेका लिया हुंदा है, जो आर्मी दे लोग हुंदे है वो अपना पैसा उन्हां पास ही जमा कराउंदे है, जब छुट्टी आउंदे है वो ले लैंदे है। इस तरह एक सिपाही का वाकया सुणाउंदे हुंदे कि उदों पठान बगावत कर रहे सीगे सीमा प्रांत के अंदर, सिपाही नूं उहदी घोड़ी
सिरमदान सिरमू भज के दुश्मन दे विच लै गई। उत्थे दुश्मन दे लोकां ने कई गोलियां घोड़ी दे मारियां, सिपाही दे विच जी ओह भी मर गया। गौरमेंट दा एक कायदा हुंदा है, जो भी किसी फौजी का हिसाब किताब हुंदे है वह वारसां नूं जरूर दे दिंदे है। फौज का तो जो कायदा कानून सी उन्होंने पूरा किया, लेकिन बाणिए दे पास 2500 रुपया बकाया सी, जिहड़ा कि उसने लालच बस ना दिता। उस सहारनपुर का बाणिया सीगा, अरसा पा के उहदे घरे उह लड़का बन के सिपाही पैदा होया, तकड़ा गभरू हो गया। उसकी शादी की, जब शादी की तो बीमार रहन लग पाया। हुण शाहूकार को बड़ा पैसा सीगा, उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाए, बड़ा खर्चा किया। जो तो हर पासे बंदा थक जाता है, दुखी इनू कूड़ प्यारा, फिर उन्होंने वोदा ये होया भी चलो तवी तागे वालों तो ही इलाज कराइए, शायद इन्हां लोकां दी ही कोई दुआ लग जावे। एक मौल भी शहर तो बाहर रहिंदा सीगा, उन्हां पास गया, कहिंदा जी मैं दवाई वगैरह आपदे लड़के दी बहुत कराई, लड़का एको ही है, हुणे हुणे व्याहिया है, जे तुसीं उहदी कोई दवाई बूटी करो तो मैं धनवादी होऊंगा। तो कहण लग्या तुसीं मैं चलदा हैं, मैं दम करदा हैं, वो ठीक हो जाएगा। जदों मौलवी उसके घरे आया, दम किया, लड़का कुछ होश विच आया, शाहूकार नूं खुशी हुई कि मेरा लड़के ने अज ही कुछ अच्छियां अखां पटियां हन। तो उसने जेब दे विच जद हथ डालिया भी मैं इसनूं काफ़ी कुछ देवां, लेकिन जेब दे अंदर 2500 रुपये सीगे। उहनूं फड़ा के कहिंदा देख बई, आम मेरी जेब च काफ़ी पैसे हुंदे सी, मौलवी साहब अज तां 2500 रुपये ही है, ये तू लै, तैनूं शाम नूं खुश करूँगा। वो आता देखो जी मैं एकदम किया है, एकदम दे नाल ये कितना अच्छा चेहरा हो गया है, शाम नूं मैं दम जदों करन आया तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जदों मौलवी घरों गया, लड़के नूं शाहूकार पुछदा क्यों भी बेटा हुण ठीक महसूस करदा है? वो कहण लग्या तू मैनूं पछाणदा है, मैं कौन है? मैं वो फौजी सिपाही हाँ जिहदा तेरे पास 2500 रुपया सीगा, और 2500 रुपये ही उहदे विच्चों बचदे सी, तू हिसाब करके देख ला बीमारी ते जो लगे है, 2500 रुपये बचदे सी, वह भी मैं दवा चलिया है। ये जिहदी मैं विआह के लियाया है, ये वो कोड़ी है जिन्हें मैनूं मरवाया सीगा, तेरे नाल भी मैं भुगतान कर गया है, और ये कोड़ी नूं यही सज़ा है, हुण सारी जिंदगी हिणकिया करेगी, क्या रोया करेगी। तो महाराज जी कहिंदे हुंदे वी जद हरिद्वार नूं तो वापस आ रहे सी, ओहो तो उत्थे वो शाहूकार उन्हां नूं मिलिया, जदों उन्हां नाल आर्मी दे विच वाकफियत सी, घरे लै गए कि अज रात इत्थे रहो। रात नूं उन्हें अच्छे अच्छे खाने बनाए, क्योंकि शाहूकार नूं जे तां लड़का ना दसदा फिर तो रोंदा पिटदा बहुत कुछ करदा, लेकिन जे दस दिता वो किहनूं रोवे। उसने अच्छे खाने बनाए, लोगों के अंदर चर्चा हुई कि जवान पुत मरिया, नो रंडी हो गई है, ये रोंदा नहीं, किड्डा कल्ला आदमी है। वो अंदर अंदर खामोश सी, जो शाम नूं अच्छे खाने बनाए, परोसे खाने, घरवाली भी रोण लगी कि साडा लड़का गुजर गया है, इहनूं कोई ऐसा दिल ते नहीं होया गा। वो घरवाली रो अपने नूं रोवे कि मेरा पति मर गया है, इहनूं अच्छे खाणिआं दी बनी हुई है। जद रोण लगे, खाना उधरों आके अगे रख दिता सीगा, रोण की आवाज़ आई, महाराज जी कहण लगे क्यों भई ये कादी आवाज़ है? अगे जी तुसी खाना खाओ, तुसी की लेना है? नहीं भी अगे बताता सही, फिर ही खावांगे। उन्हें सारी कहानी दसी कि किस तरह वो जिहड़ा सिपाही घोड़ी ने मरवा दिता सीगा, मैं लालच बस उहदा 2500 रुपया दब गया सी, जो वो मेरे करे
लड़का बन के जमया और वो सारा कर्जा मेथ ले गया है, मरन लग गया, मैनू बता गया है कि मैं तेरा लड़का नहीं, मैं वो सिपाही है, अपना कर्जा लैन आया सी वो मैं पूरा कर गया है, ये वो कूड़ी है, यानी ये उही सजा है कि हुण सारी जिंदगी हिणकेगी। अदा महात्मा जी तुसीं ये दसो, मर गया सिपाही, हिणकदी है कूड़ी, मैं किन रोवां। सो ये आम वाकया सत्संग दे अंदर सुनाउंदे हुंदे सी। हाँ भाई, सवाल प्रेमी दा बड़ा सब दे लिए अच्छा सीगा, इस ते बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, लेकिन टाइम हो गया है। सब नो चंगा यही है कि असी फैले ख्याल नू सिमर दे जरिए इकट्ठा करिए, तीसरे तल ते एकागर होइए, अंदर जाके ही असली फिलासफी का पता लगता है कि घटना क्यों घटी, ये असी किस कर्म का लेखा जोखा दे रहे हैं। सेहत का संतुलन ठीक रखने वास्ते सब संतान ने खुद भी दवाई बूटियां अपनी सेहत वास्ते करते रहे हैं, सानू भी वो हिदायत करते हैं कि बजाए हाथ या तरन दे जरूर दवाई बूटी इस्तेमाल करो, ताकि तुसी कर्मा का भी भुगतान करते रहो, थोड़ा बहुत आराम की जिंदगी भी, सेहत अच्छी भी बना सको।